को ये कहा है कि 26 जुलाई के शाम 5 बजे से पहले वो हाईकोर्ट अप्रोच करें और हाईकोर्ट इस मैटर को सुनेगा और उसके बाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगा कि स्टे रहना है इस ऑर्डर पे कि नहीं रहना। दोनों पक्षों की तरफ से क्या दलील दी गई थी? देखिए, हमारी तरफ से यही दलील थी कि इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है और जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब का ऑर्डर है उसमें लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर को बिना डैमेज किए, बिना क्षति पहुंचाए हुए ये सर्वेक्षण किया जाए। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये बहस की गई कि नहीं, हमारी बहुत दिनों से मस्जिद चली आ रही है और उसका कैरेक्टर बदल जाएगा, जो कि हम लोगों ने ये भी बताया कोर्ट को कि ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है जिससे स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा। पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी, अंजुमन इंतजामिया ने, कि उनको कुछ समय चाहिए इस ऑर्डर को चुनौती देने का। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के ऑर्डर पे 2 दिन के लिए एक इंटरिम स्टे, इंटरिम रोक लगाई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने मामला जाएगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट फिर दोबारा अफ्रेश इसे डिसाइड करेगी कि ये रोक रहनी है कि नहीं रहनी है, ये ऑर्डर सही है कि गलत है। 26 जुलाई तक ही तय करना है, 26 जुलाई तक तय करना है, 26 जुलाई के शाम 5 बजे तक और ये इंटरिम ऑर्डर है और उससे पहले कोर्ट ने उनको कहा है कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करें। बार बार मुस्लिम पक्ष इस चीज का विरोध करता रहा है, बार बार ये भी कह रहा था कि खुदाई वहाँ शुरू हो गई है। देखिए, हम लोग एएसआई की तरफ से केंद्र सरकार के, केंद्र सरकार के वकील ने, ये गलत स्टेटमेंट था, केंद्र सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने, माननीय तुषार मेहता साहब ने कहा कि अभी खुदाई का कोई आदेश नहीं हुआ है, ना वहाँ पे खुदाई हो रही है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेडार के जरिए सर्वेक्षण किया जा रहा है, मेजरमेंट किया जा रहा है, मैपिंग की जा रही है जिससे स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं पहुंचने वाला है। पर अंजुमन इंतजामिया के जो पक्ष था उन्होंने बार बार ये कहा कि हमें कुछ समय चाहिए और खुदाई हो जाएगी, बहुत डैमेज हो जाएगा और हमें कुछ समय चाहिए डिस्ट्रिक्ट जज साहब के ऑर्डर को चैलेंज करने का, क्योंकि ऑर्डर फ्राइडे को शाम को 4:30 बजे हुआ था, इसलिए इसे चैलेंज करने का कुछ समय दिया जाए। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस प्ली को ध्यान में रखते हुए 2 दिन की उनको मोहलत दी है इस ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज करने के लिए और हाईकोर्ट इसको 2 दिन के जब जैसी वो फाइल करेंगे उसको कंसिडर करेगी। और मैं आपके सामने ये भी कहना चाहता हूँ, हमारी पूरी लीगल टीम, हम लोग हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। बार बार उजैफा की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि उनको समय नहीं मिला, ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली, बिल्कुल गलत हो गई, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट, टोटल मिसलीडिंग स्टेटमेंट थे। और हमारे जो सीनियर काउंसिल थे मिस्टर श्याम दीवान साहब और जो केंद्र सरकार के वकील थे, उन्होंने भी ये कहा कि मिसलीडिंग स्टेटमेंट पास कर रहे हैं। हमें आईए की कॉपी बिना सर्व किए आईए पे बहस की जा रही थी, हमें आईए जो अंजुमन इंतजामिया ने ई फाइल की है उसकी कॉपी तक नहीं सर्व की गई किसी भी पार्टी को और उसके ऊपर कोर्ट में बहस की जा रही है। तो एनीवेज, आज की डेट में फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के लिए एक बहुत ही इंटरिम तौर पे उस पर रोक लगाई है डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर पे और 2 दिन के अंदर डिस्ट्रिक्ट उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट मूव करना है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसकी बहस करनी है। बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल हाईकोर्ट जा रहे हैं। जो मैं वही बता रहा हूँ, केंद्र सरकार के जो वकील थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मिस्टर तुषार मेहता साहब, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्राइज किया कि ये सर्वे में मेजरमेंट हो रहा है, मैपिंग हो रही है और बिना नॉन इन्वेजिव मेथड से सर्वे हो रहा है, एक ब्रिक तक अभी नहीं हिलाई गई है, कोई अभी तक एक्सकेवेशन नहीं हुआ है और गलत स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं अंजुमन इंतजामिया की तरफ से। हड़बड़ी क्यों मुस्लिम पक्षकार? मुझे देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ज्ञान व्यापी का सच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से ही निकलेगा और हम इलाहाबाद हाईकोर्ट को परसुएट करेंगे जितनी हमें ईश्वर ने शक्ति दी है ये समझाने के लिए कि इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है। एक मिनट, इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस ऑर्डर में और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट इसको मेरिट पे दोबारा एग्जामिन करेगा जो सुप्रीम कोर्ट की रोक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सुप्रीम कोर्ट के जितने ऑब्जर्वेशन है, द हाईकोर्ट विल डिसाइड द मैटर अनअफेक्टेड बाय द ऑब्जर्वेशन इन दिस और ऑन इट्स ओन मेरिट। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने इस समय मामला है, इलाहाबाद हाईकोर्ट को अधिकार है कि अनअफेक्टेड बाय एनी ऑब्जर्वेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट अफ्रेश इस मैटर को इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगा और सिर्फ 2 दिन की इंटरिम मोहलत दी है कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच सके, क्योंकि उनका यह था कि हमने फ्राइडे को 4:30 बजे ऑर्डर पता चला है और हम 2 दिन में तैयार करके नहीं पहुंच पाए। इसलिए 2 दिन की ये रोक है और 2 दिन के अंदर जब वो इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएंगे, मैं आप लोग के सामने बताना चाहता हूँ कि हम लोग भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने रहेंगे और पूरी बहस करके इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो भी निर्णय होगा।